देखिए, जो इस चैप्टर के अंदर हमें डिसोल्यूशन अकाउंट यानी रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना सीखना है, बाकी सारी अकाउंटिंग, सारी एंट्री, सारा ट्रीटमेंट बहुत आसान है। अगर आपने परचेज कंसिडरेशन गलत निकाल लिया, सब गलत, क्योंकि आप इसी के हिसाब से तो सारी एंट्री वगैरह करोगे। तो परचेज कंसिडरेशन निकालना बहुत ज़रूरी होता है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका इस चैप्टर का। और बोल सकते हो कि ये पॉइंट एग्जामिनर के लिए कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ आपसे बोला जाता है फाइंड परचेज कंसिडरेशन, बस हमें परचेज कंसिडरेशन बता दो, हम समझ जाएंगे कि आपको एमलगमेशन आता है। तो सर इसके एग्जाम्पल देखिए आप, क्या होता है परचेज कंसिडरेशन में। जैसे मान लेते हैं एक एक्स लिमिटेड है, एक एक्स लिमिटेड है और एक है वाई लिमिटेड। दो कंपनी आपके सामने, मैं एग्जाम्पल और अमाउंट बताता जाऊंगा। इस कंपनी के पास नंबर वन कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल है, नंबर दो कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, नंबर तीन कुछ डिबेंचर है, नंबर चार कुछ कैश है, यानी इस कंपनी के पास सारे एसेट्स लाइबिलिटी है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख और 3 लाख रुपए का है। नाउ इसने वैल्यूएशन लगाया और ये कंपनी एक्स लिमिटेड इस कंपनी को खरीद रहा है, किसको, वाई लिमिटेड को। अब एक्स लिमिटेड ने बोला कि वाई लिमिटेड में हम तुम्हें पेमेंट करेंगे। एक्स लिमिटेड ये नहीं बता रहा कि हम तुम्हें कितना पेमेंट करेंगे, एक्स लिमिटेड ये बताएगा हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें ये देंगे और हम तुम्हें ये एक्स्ट्रा देंगे। तो हम उन सभी को जब जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई एक्स लिमिटेड ने क्या कहा। एक्स लिमिटेड कहता है कि भाई वाई लिमिटेड, मैं तुम्हें इक्विटी शेयर दे रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहा हूँ मैं तुम्हें 5 लाख का, या मान लेते हैं 4 लाख का दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, और मैं तुम्हें कैश दे रहा हूँ बस, और कुछ नहीं दूंगा, 3 लाख रुपए का कैश दे रहा हूं मैं तुम्हें, 3 लाख। 3 लाख की जगह पे मैं बोल सकता हूँ 2 लाख, जरूरी नहीं है कि जो यहां था वही दूं। इसने मन बना लिया कि भाई तुम्हें मैं इक्विटी शेयर दूंगा 4 लाख रुपए का और कैश दूंगा 2 लाख रुपए का। तो यहां पे परचेज कंसिडरेशन जो माना जाएगा वो कितना माना जाएगा, सामने वाली कंपनी का क्या वैल्यूएशन है डजेंट मैटर, ये कंपनी इसको कितना दे रहा है उसके हिसाब से परचेज कंसिडरेशन निकलेगा। अगर आप बोलते हो सर यहां तो इक्विटी 5 लाख का था, आप तो 4 का दे रहे हो, मतलब नहीं रखता। यहां पे तो सर कैश 3 लाख था, आप 2 लाख रख रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। हमें नेट एसेट, नेट पेमेंट मेथड में क्या दिमाग में रखना है कि जो कंपनी बायर है वो उसको जो दे रहा है उन सभी का जोड़ क्या होगा, हमारा परचेज कंसिडरेशन। सेलर जो कंपनी है, जो बिक रहा है, उसके बैलेंस शीट में क्या पड़ा हुआ, नहीं मतलब हमें, वो अकाउंटिंग एंट्री के अंदर आएगा हमारा, जब जनरल एंट्री सीखेंगे हम। तो यहां पे तो हम क्या निकालना सीख रहे हैं, पीसी, ठीक है। केस नंबर टू, ये केस नंबर वन था, केस नंबर टू मान लेते हैं एक्स लिमिटेड कहता है कि हम तुम्हें भाई इक्विटी शेयर देंगे 10 लाख रुपए का, हम तुम्हें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देंगे 5 लाख रुपए का, हम तुम्हें डिबेंचर भी देंगे 2 लाख रुपए का, हम तुम्हें कैश भी देंगे 1 लाख रुपए का, निकालिए परचेज कंसिडरेशन। तो सर परचेज कंसिडरेशन क्या होगा, 15, 17 और 1 18 लाख, समझे बात। तो ये क्या निकल गया हमारा, परचेज कंसिडरेशन कितने का, 18 लाख रुपए का, समझ रहे हो। चलिए केस नंबर थ्री, मैं छोटे छोटे एग्जांपल लूंगा बड़े आसान आसान से, जिसमें धीरे धीरे सारा ही कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। अब केस नंबर थ्री, एक्स लिमिटेड कहता है कि भाई वाई लिमिटेड, मैं तुम्हें इक्विटी शेयर कैपिटल दूंगा 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल दूंगा कितने का, 5 लाख का। अब एक चीज बताइए, यहां पे लाइबिलिटी भी है, डिबेंचर लाइबिलिटी भी है। उसने कहा मैं तुम्हें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दूंगा 2 लाख का बस, और तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, और तुम्हारी कंपनी में एक लाइबिलिटी था, उस लाइबिलिटी का मैं पेमेंट कर देता हूं 4 लाख रुपए, उस लाइबिलिटी का मैं पेमेंट कर देता हूं वाई
4 लाख रुपए किसने प्रॉमिस किया? एक्स लिमिटेड ने। यानी एक्स लिमिटेड इस डिबेंचर होल्डर का भी पेमेंट कर रहा है 4 लाख रुपए का, ठीक है। तो यहां पे परचेज कंसिडरेशन क्या होगा? परचेज कंसिडरेशन हमेशा वही होता है जो कि जो कंपनी सेलर है उसके जेब में जा रहा है। तुम लाइबिलिटी होल्डर को पेमेंट कर रहे हो, मेरे पास तो नहीं आया ना, तो परचेज कंसिडरेशन क्या होगा यहां पे? 7 लाख। यानी सिंपल सी बात है, जो कंपनी बिक रहा है उसका कोई ना कोई तो मेन बंदा होगा। जैसे इस कंपनी का मेन बंदा जो बिक रहा है वो कौन है? वाई। वाई के पॉकेट में जो जो डाल दे एक्स, वो परचेज कंसिडरेशन है। इसके अलावा वो बोले मैं तुम्हारे डिबेंचर होल्डर को दे रहा हूँ, मैं तुम्हें क्रेडिटर को दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे और अदर दूसरों को दे रहा हूँ, तो वाई बोलेगा भाई तुम दूसरों को दे रहे हो, मुझे क्या मिला, मुझे तो बताओ। समझ में आई बात आपको? तो ये क्या माना जाएगा यहाँ पे? परचेज कंसिडरेशन। यानी वेरी सिंपल, अगर मैं कुछ एक फॉर्मेट टाइप का बनाऊँ परचेज कंसिडरेशन का निकालने का, तो आपने क्या करना है, कुछ इस तरीके से फॉर्मेट बना लेना है। और इस फॉर्मेट को बनाने में अगर हमें सामने वाला कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहा है तो वो लिख लेना है, अगर मुझे कंपनी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रहा है तो वो भी लिख लेंगे, अगर हमें कंपनी कैश दे रहा है तो वो भी लिख लेंगे, अगर हमें कंपनी कुछ और भी दे रहा हो, एनी काइंड ऑफ एसेट्स दे रहा हो, मान लेते हैं मोटर्स व्हीकल दे रहा हो, मान लेते हैं अपनी FD दे रहा हो, वो कुछ भी दे रहा हो, तो वो भी लिख लेंगे। और कंपनी अगर मुझे डिबेंचर लाइबिलिटी देगा, अगर मुझे डिबेंचर देगा, और ये डिबेंचर पता है कौन सा है भाई? इस कंपनी का डिबेंचर मुझे मिला है। अगर मुझे डिबेंचर देगा अपनी कंपनी का, तो उस सिचुएशन में ये भी परचेज कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा। लेकिन अगर इस कंपनी ने कहा कि मैं तुम्हारे डिबेंचर होल्डर का पेमेंट कर रहा हूं, मैं तुम्हारे डिबेंचर होल्डर का पेमेंट कर रहा हूं, तो बताइए क्या इस वाई लिमिटेड के पॉकेट में पैसे आया? नहीं आया। तो वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगा। अगर कंपनी कहेगा कि हमने डिबेंचर होल्डर का डिस्चार्ज कर दिया है पेमेंट, तो भैया उसका किया है तो वो तुम समझो, मुझे क्या दिया है, तो जो मुझे दिया है वो क्या माना जाएगा हमारा? परचेज कंसिडरेशन। समझ में आई बात आपको? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा कि मैं तुम्हें इक्विटी शेयर कैपिटल दूंगा एट 100 ईच और पेड अप है 90 और 5,000 शेयर। मैं तुम्हें 5,000 शेयर देने वाला हूं जिसकी कीमत 100 रुपये है शेयर की, लेकिन तुम्हें 90 रुपये पेड अप के हिसाब से मिलेंगे। इसका मतलब है तुम्हें 90 के हिसाब से तो हम दे रहे हैं, बाकी 10 आपसे बाद में मंगवा लेंगे, ठीक है। मैं तुम्हें कैश दे दूंगा 4 लाख रुपए। चलिए हमें यहाँ निकालना क्या है? PC। क्वेश्चन ने ये दे दिया, हमें क्या निकालना है? PC। तो परचेज कंसिडरेशन कैसे निकलेगा? सिंपल, सबसे पहले क्या लिख लेंगे हम? इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सर इक्विटी शेयर कैपिटल क्या आएगा? 5,000 और हमें पेड अप 90 मिला है, तो 90 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि 100 से, ठीक है ना। तो 90 से करेंगे तो क्या आएगा? 40, 4,50,000। और मुझे क्या दिया उसने? कैश। कितना दिया? 4 लाख। तो वेरी सिंपल, हमारा क्या आ गया? PC आ गया 8,50,000। समझे बात आप? ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। सर ये सारी चीजें क्या हमें क्वेश्चन में गिवन होगा क्या? डेफिनेटली गिवन होगा। यही तो सिम्टम्स, यही तो साइन, यही तो सिंबल है पहचानने का कि ये नेट पेमेंट मेथड से क्वेश्चन होने वाला है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि मैं तुम्हें इक्विटी शेयर कैपिटल दूंगा 1 लाख रुपए का, मैं तुम्हें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दूंगा 2 लाख रुपए का, मैं तुम्हें कैश दे दूंगा बैलेंस का। यानी वो पेमेंट बता रहा है कि मैं तुम्हें इक्विटी दूंगा 1 लाख का, मैं तुम्हें प्रेफरेंस दूंगा 2 लाख का, और बैलेंस में तुम्हें कैश दे दूंगा। तो सर बैलेंस तो पता नहीं चलेगा ना। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको अब नेट एसेट मेथड से पीसी निकालना पड़ेगा।
किससे निकालना पड़ेगा, नेट एसेट्स मेथड पे जाना पड़ेगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए, अगर आपको सारी जानकारी गीवन है जो उसे पेमेंट करेंगे तो नेट पेमेंट मेथड होता है, लेकिन अगर कोई भी जानकारी इसमें मिसिंग कर दे तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि हम नेट एसेट्स मेथड जब सीखेंगे हम तो नेट एसेट्स मेथड से उस पीसी की जानकारी निकाल लें। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरीके से होगा। तो परचेज कंसिडरेशन बहुत आसान है, लेकिन स्टूडेंट इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। इसके अंदर ध्यान देने वाली बात क्या है, डिबेंचर वाला पॉइंट। अगर डिबेंचर होल्डर को बायर कंपनी डिस्चार्ज कर रहा है तो वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर वो कंपनी डिबेंचर मुझे दे रहा है तो वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट है। सिंपल सी बात है, जो सेलर कंपनी उसको जितने रुपए मिल जाएंगे उन सभी को जोड़ देंगे, वही क्या माना जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। वेदर सारा कैश में भी हो सकता है, बैंक से भी हो सकता है, किसी फॉर्म में हो सकता है वो, ठीक है ना। तो कुछ बुक का क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल बुक के क्वेश्चन देखते हैं। बुक दिखाइए एक बार, आपका बुक जे आर मोंगा है, तो आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन टू की जगह पे क्वेश्चन थ्री करते हैं पहले, ठीक है। कहता है क्वेश्चन में क्या, एक्स लिमिटेड एग्री टेक ओवर द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, सभी में होगा, चाहे ऑनर्स का बच्चा हो, प्रोग्राम का बच्चा हो, कोई भी हो जिनके पास जीआर मुंगा है, मिल जाएगा। एक्स लिमिटेड एग्री टू टुक ओवर द वाई लिमिटेड, तो क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और एक है वाई लिमिटेड, तो ये मेरे जैसा एग्जाम्पल हो रहा है धीरे धीरे। तो कहता है द कंसिडरेशन बींग अजम्पशन टू ट्रेड लाइबिलिटी, और जो कंसिडरेशन होगा अज्यूम करेंगे द ट्रेड लाइबिलिटी 5 लाख रुपए, द पेमेंट कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 2 लाख रुपए। कहता है कि भाई जब ये कंपनी बंद हो रही है, इसने टेक ओवर कर लिया, तो ये कंपनी कौन सी कंपनी है पहले तो ये डिसाइड कर लो। ये कंपनी बायर है और ये कंपनी जो बिक रही है सेलर, पहले तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में क्लियर होना जरूरी है। अब कहता है कि इसने क्या करा, द कंसिडरेशन अजम्पशन ट्रेड लाइबिलिटी, कहता है भाई हम तुम्हारे लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे, तुम्हारे पास जो लाइबिलिटी है उसकी पेमेंट करेंगे, तो ये क्या बोलेगा, वाई कर दो भाई, मुझे क्या मतलब, ये पीसी का पार्ट नहीं है, यही बोलेगा ना, करो लाइबिलिटी का पेमेंट करो, डिबेंचर का पेमेंट करो, आस पड़ोस को पेमेंट करो, हमें मतलब नहीं है, आप मुझे कितना दे रहे हो वो होगा परचेज कंसिडरेशन की बात, ठीक है ना। तो ये कह रहा है भाई मैंने तुम्हारे लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, ये कह रहा है हम तुम्हारे लाइबिलिटी का पेमेंट 50,000 कह रहे हैं, बोला करते रहो, ये पीसी का पार्ट नहीं है। कहता है हम लिक्विडेशन का भी 2,000 रुपये पेमेंट करेंगे, बोला लिक्विडेटर को पेड किया ना, तो हम क्या करें, हमें कितना मिलेगा वो पीसी का पार्ट है, ये भी नहीं है। लिक्विडेटर क्या होता है, जो कंपनी को बंद करता है ना उसकी फीस होती है, उसे लिक्विडेशन एक्सपेंस कहते हैं। कहता था रिडम्पशन ऑफ बी का डिबेंचर, जो बी के, कहता है रिडम्पशन ऑफ बी डिबेंचर 2 लाख at 10% प्रीमियम, डिस्चार्ज ऑफ ए लिमिटेड इतने का। तो अब यहां पे फिर से ये बातें जो कर रहा है, कह रहा है कि भाई हम बी के डिबेंचर का पेमेंट करेंगे, तो भाई कर दो भाई, हमें तो मतलब नहीं है, मुझे तो मिला नहीं। फिर कह रहा है ए के डिबेंचर को प्रीमियम पे देंगे, तो भाई करो, अभी तक देखोगे तो मेरे जेब में कुछ नहीं आया, तो ये सभी क्या पीसी का पार्ट है हमारा, नहीं है, ऐसे समझना है आपने। आगे कहता है बाय इशू 10% डिबेंचर इन एक्स लिमिटेड, कहता है हमने इशू कर दिया 10% डिबेंचर एक्स लिमिटेड, तो बोला जो इन सबको पेमेंट करेंगे ना, बी को और ए को, मैंने अपनी कंपनी के डिबेंचर इसको इशू कर दिया, तो भाई तुम बी को दे रहे हो, ए को दे रहे हो, मेरा नाम तो वाई है, तो मुझे तो मिला ही नहीं अभी तक, तो इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। अब मुद्दे की बात आगे कहता है, एंड पेमेंट 10 per share इन एक्सचेंज ऑफ 2 fully paid 10 share इन एक्स लिमिटेड। तो ध्यान देना, हम पढ़ते हैं एक बार फिर से। कहता है कि एक्स कंपनी लिमिटेड एंड पेमेंट ऑफ 10 per share, वो पर शेयर के हिसाब से देगी कैश, जितने शेयर तुम्हारे पास थे हर एक शेयर के बदले हम आपको दे देंगे 10 रुपए। इसका मतलब ये है पेड
10 पर शेयर इन कैश, अगर आपके पास लाख शेयर थे ना तो उस लाख शेयर के बदले 10-10 रुपए देंगे हम आपको, तो ये पीसी का पार्ट हो सकता है क्योंकि उसको देने की बात कर रहे हैं। इन एक्सचेंज ऑफ 2 फुल्ली पेड 10 शेयर इन ईच एक्स लिमिटेड बोलते हैं, और बदले में आपके पास जितने भी शेयर थे उसके बदले हम अपनी कंपनी के आपको 2 शेयर देंगे 10 वाली। तो अभी तक दो ही बातें करी इसने मोटी मोटी जो कि इसको देगा। कहता है मार्केट, कहता है लिमिटेड मार्केट प्राइस ऑफ 15 पर शेयर ऑफ एवरी शेयर, कहता है लेकिन जो हम आपको शेयर दे रहे हैं वाई लिमिटेड, आपको जो शेयर दिया जाएगा उसका मार्केट प्राइस कितने का है, 15 रुपए का, तो हम मार्केट प्राइस से परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। द शेयर कैपिटल ऑफ वेंडर, देखो इस कंपनी को हम वेंडर लिमिटेड भी बोलते हैं, किसको, वाई लिमिटेड को क्या बोलते हैं, हम वेंडर लिमिटेड भी बोल सकते हैं, वेंडर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कहता है इसके पास पहले से कितने शेयर थे, जी इसके पास पहले से शेयर थे कितने, 20,000। तो मुद्दे की बात तो सिर्फ लास्ट लाइन में ही कह रहा है, ये ऊपर वाली बातों से तो कुछ भी पता नहीं चला। क्या क्या कहता है, अगेन कहता हूँ, एक्स लिमिटेड बोलता है कि मैं भाई तुम्हारे लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करूँगा, तो वाई को तो कुछ नहीं मिला। एक्स लिमिटेड कहता है मैं 20,000-2,000 रुपये का लिक्विडेशन एक्सपेंस दूंगा, कुछ नहीं मिला। एक्स लिमिटेड कहता है तुम्हारे एक कंपनी का डिबेंचर बी का है, एक कंपनी ए का डिबेंचर है, उसको मैं अपनी कंपनी का डिबेंचर दे रहा हूँ, तो भाई अभी तक वाई को कुछ नहीं मिला। अब वाई की बात करता है डिस्चार्ज जो हम आपको करेंगे, इसने कहा कि हम हर शेयर के बदले, ईच शेयर के बदले आपको 10 रुपये देंगे, ईच शेयर के बदले कितने देंगे आपको, 10 रुपये। तो सर इसके पास कितने शेयर हैं, 20 था 25 था, 20,000, तो आप मोटा मोटा अंदाजा लगा लो कितने मिल गए होंगे इसको, कितने मिल गए होंगे, तो एक तो हो गया 2,00,000 मिले इसे, किसको मिला ये 2,00,000, किसके जेब में गया ये, वाई। तो ये पीसी का पार्ट है क्या, बिल्कुल है। और बोला गया जितने तुम्हारे कंपनी में शेयर थे, लाइन में पढ़ दूं क्या कहता है कि आपका इन एक्सचेंज ऑफ 2 फुल्ली पेड 10 रुपीज शेयर, जितने भी तुम्हारे पास शेयर हैं हर एक शेयर के बदले हम 2 शेयर दे रहे हैं, तो हर एक शेयर के बदले कितने शेयर दे रहे हैं, तो एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर, तो भाई हमारे पास तो 20,000 शेयर हैं और तुम हमें दोगे 2, तो कितने शेयर मिले मुझे तुम्हारी कंपनी के, और ये किसके पॉकेट में जा रहा है, ये 40,000 शेयर वाई को जा रहा है, तो क्या ये पीसी का पार्ट है, यस है। और हमारी कंपनी का ये कहता है कि हमारी कंपनी का 10 रुपए का तो फेस वैल्यू है लेकिन मार्केट में उसका कीमत मैं बताऊं कितने का है, 15 का, तो ठीक है भाई मार्केट में 15 का है तो हम 15 से कंसीडर करेंगे, हमेशा क्या कंसीडर किया जाएगा, मार्केट वैल्यू। तो कितने हो गए, 4 और 15, 6,00,000, 6,00,000 हो गए ना, देखो काउंट करो, 40,000 × 15, ठीक है, तो 40,000 × 15 टोटल 6, तो टोटल पीसी देखा जाए तो कितने मिल गए इसको, 8,00,000। मैंने थोड़ा फॉर्मेट में नहीं किया, बस समझाने के लिए मैंने किया, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को देख के तो एक बात समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन में इधर उधर की बातें बहुत करेगा आपको भटकाने के लिए, लेकिन आपका फोकस क्या होना चाहिए कि भाई मुझे कितना मिला है, सेलर कंपनी को कितना मिला है, वही सिर्फ किसका पार्ट माना जाएगा, पीसी का पार्ट माने। जैसे इसमें कितना भटका है इसने, हम लाइबिलिटी को दे रहे हैं, हम लिक्विडेशन को दे रहे हैं, हम, अब भाई एक्स वाई चल रहा है और बोला बी के डिबेंचर को दे रहे हैं, ए का डिबेंचर आ गया है उठ के, तो कंफ्यूजन ही है ना ये, तो हमें सिर्फ देखना है कि उसको कितना डिस्चार्ज किया गया। तो हमारा ये क्वेश्चन होता है डन, जो कि 8,00,000 रुपए पीसी आ गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, ये के कौन से मेथड से है हमारा, नहीं ये थोड़ा सा अलग सा मेथड हो जाएगा, और देखते हैं इसमें एक्सचेंज स्वैपिंग रेशो भी है, वो अभी नहीं करेंगे। चलिए चलिए, और बाकी एडजस्टमेंट से पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए आप। किसी का डाउट है तो पूछिए आप।